हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की एक पोएम फोग की। फोग यानी कि धुन। कवि इस कविता में फोग की तुलना बिल्ली से करता है। वो बताता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है या जब जाड़ों का मौसम होता है तो किस तरह से फोग चुपके से शहरों में प्रवेश करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे घरों में बिल्ली प्रवेश करती है। किसी को खबर नहीं होती कि बिल्ली कब दबे पांव हमारे घर में प्रवेश कर गई। ठीक इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में या जाड़े के मौसम में फोग भी हमारे शहर में हमारे घरों के करीब करीब प्रवेश करता है और हमें पता भी नहीं चलता, दबे पांव आता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं। फिर लेखक इस फोग के आने के साथ साथ इसके जाने का वर्णन भी कर रहा है। लेखक कह रहा है कि जिस तरह से फोग दबे पांव आता है वो पूरे शहर पर क्या करता है, अपना कब्जा जमा लेता है और पूरे शहर का निरीक्षण करता है। ठीक उस बिल्ली की तरह से जो बिल्ली अपने पैरों पर बैठ करके पूरे घर का निरीक्षण करती है और अपने लिए उपयोगी वस्तुओं को खोजती है, ठीक उसी तरह से फोग भी शहर का निरीक्षण करता है, उसके बंदरगाह देखता है और उसकी दूसरी चीजों को देखता है। जब उसका समय पूरा हो जाता है तो ठीक बिल्ली की तरह से ही दबे पांव वो वापस चला जाता है और किसी को सूचना तक नहीं होती। तो यहां पर दोस्तों इस पूरी कविता में जो पोएट है वो फोग और बिल्ली की तुलना करके फोग के आने और जाने का जो पर्पस है बिल्ली की तरह से बता रहे। दोस्तों इस पूरी कविता में लेखक फोग और बिल्ली की तुलना करते हुए हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से फोग बिल्ली की तरह से हमारे शहरों में प्रवेश करता है और हमारे शहरों से बाहर चला जाता है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस तरह के वीडियो प्राप्त करते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।